हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने पहली वीडियो में आपको दिया था कि किस तरीके से आप ट्राइगोनोमेट्री के साइड वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि एंगल्स के वाइज आप ट्राइगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। बट उसके लिए कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए पहले आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के ऊपर। ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जब आपको लर्न होगा देन आप तभी उसे बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, अदरवाइज उसको नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल लर्न करने के लिए आप एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं जिसे आप लर्न कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की जब हमने बात किया था तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने जाना था कि साइन को अगर हम देख रहे थे, साइन थीटा इज इक्वल टू था 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट ना। साइन के अपोजिट था कोसेक, कॉस के अपोजिट था सेक, क्या था कॉस के अपोजिट था सेक, एंड टेन के अपोजिट था कॉट। सिमिलर इसी तरीके से ये अपोजिट हो गए थे, यानी कि अगर कोसेक का देखा तो यहां था 1 अपॉन साइन, यहां सेक को देखेंगे तो ये था आपका 1 अपॉन कॉस, ओके। यहां कॉट को देखा, ये 1 अपॉन कॉट था। यहां आप देखेंगे टेन को तो ये कॉट का हो जाएगा 1 अपॉन टेन। इट मींस यहां क्या है, मींस क्या है कि जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल में आने वाले 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता है तो आपके लिए ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बहुत ही इजी होने वाली है। देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को ये 6 आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। इसमें 2 आइडेंटिटीज और हैं जो कि मैं आपको इजी वे में और बता देता हूं। देखिए, टेन को यहां पर, टेन को हम यहां पर लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट को आप देखेंगे तो कॉट को लिख सकते हैं कॉट थीटा अपॉन, ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, ओके। ये इस तरीके से होगा, ये आपको लर्न होने चाहिए जब आप ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आप पढ़ेंगे। तो चलिए ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को भी देख लेते हैं किस तरीके से आप लर्न करेंगे और किस तरीके से फिर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल को देख लेते हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले साइन की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। यदि आपको साइन की वैल्यू लर्न है तो पूरी की पूरी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, यहां पर साइन को नोट आउट करता हूं। पहले यहां पर मैं लेता हूं एंगल्स, ओके, 0, 30, 45, 60 एंड 90। यहां पर आप वैल्यू ले लीजिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन, ये रखिए कॉट सेक एंड कुसेक, ये आपको देखे साइन का वैल्यू आप देखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, 1/√3/2 एंड 1, ये वैल्यू होती है साइन की, यानी कि साइन की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। यदि आप साइन की वैल्यू को लर्न कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो जस्ट अपोजिट होती है साइन की वैल्यू। तो यहां आएगा 1, यहां आएगा √3/2, यहां आएगा 1/√2, यहां आएगा 1/2, देन ये 0, ओके। अब हम देखें टेन, तो मैंने अभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में आपको बताया था कि जो टेन की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू होती है, यानी कि साइन अपॉन कॉस रखेंगे तो वो टेन की वैल्यू बन जाएगी। यहां से आप देखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो इसका जब हम डिवाइड देंगे, देखो जब भी हम जीरो में किसी का डिवाइड देते हैं तो जब भी हम जीरो में या किसी नंबर का जीरो में डिवाइड देते हैं तो आपको मिलता क्या है। देखिए, जब हम 1 का डिवाइड देंगे 0 में तो आपको मिलेगा 0, ओके। यहां इसका डिवाइड दिया 1/√3, यहां इसका डिवाइड दिया
वन, यहाँ इसका डिवाइड देंगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा रूट थ्री, और जब इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ अपरिभाषित मिलेगा, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉट की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, इनफाइनाइट यहाँ आएगा, रूट थ्री यहाँ आएगा, वन आएगा, वन अपॉन रूट थ्री होगा और यहाँ पर हो जाएगा जीरो। देन sec जो होता है, sec जो होगा वो होता है cos का उल्टा। देखिए cos का अपोजिट होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके थे sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा। ओके क्या पढ़ चुके थे, sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन cos थीटा। तो cos जो होगा वो sec का उल्टा होगा, या cos जो होगा sec का उल्टा होगा, या sec जो होगा वो cos का उल्टा होगा। तो देखो जैसे मैं अपोजिट में करूंगा तो वन अपॉन वन वन होता है, ये होगा टू अपॉन रूट थ्री, ये होगा 2.3, ये होगा रूट टू, ये होगा 2, देन इसको मैं 1 के अपॉन में करूंगा तो ये इनफाइनाइट होगा, अपरिभाषित, ये भी यहां पर आएगा, उल्टा किया 2 रूट टू, देन ये 2 बाई रूट थ्री, देन ये 1। तो इस तरीके से आप ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल लर्न कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। केवल आपको लर्न करना होगा क्या कि साइन की वैल्यू, जब आप साइन की वैल्यू को इजीली याद कर लेंगे तो आपको करना क्या है, कॉस के लिए जस्ट उसे अपोजिट कर देना है, टेन के लिए उन्हें साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि टेन की वैल्यू जब निकालेंगे तो इनको अपॉन में रख लीजिए, केवल ये करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू को अपॉन में रख लेंगे, कॉट की निकालेंगे तो टेन की जस्ट वैल्यू जो है उन्हें अपोजिट कर देंगे, वहां से टेन की वैल्यू मिल जाएगी, सेक के लिए कॉस की वैल्यूज को उल्टा कर देंगे और कोसेक के लिए साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, दैट इज दैट्स इट, आपको पूरी ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल मिल जाएगी। इनके बेस पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं वो भी हम देखेंगे अभी, इससे इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक और आपको समझा देता हूँ क्वाड्रेंट वाला, देन क्वाड्रेंट के बाद हम फिर देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए मैं इसे रेज कर देता हूँ। देखिए जब हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के बाद हम जब क्वाड्रेंट को पढ़ते हैं, यानी एंगल्स को पढ़ते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक एंगल्स को पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्वाड्रेंट आना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट मींस हमें पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट के अंदर किस ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के किस रेशियो की वैल्यू क्या होने जा रही है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमें पता होना चाहिए। देखिए क्वाड्रेंट तो बेसिकली सब बच्चों को पता होता है कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखिए क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके ये देखिए यहां पर 0 टू 90 होता है, यानी 0 से 90 तक के एंगल्स जो होते हैं वो इस क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, 90 टू 180 के जो होते हैं वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं, 180 टू 270 के सारे एंगल्स इसमें आते हैं, और 270 टू 360 के जितने भी एंगल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ओके ये याद रखिएगा, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में जो होते हैं वो होते हैं साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसमें जो होते हैं वो टेन और कॉट होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसमें जो होते हैं कॉस, इसमें जो होते हैं वो कॉस और सेक होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर मैंने जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा है वो पॉजिटिव होता है, अदरवाइज इनके अलावा कोई अगर नंबर आता है इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो वो नेगेटिव होता है। लाइक मान लेते हैं मेरे पास एक कोई नंबर है साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है हमारे पास तो वो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या करेंगे 90 और 270 पर ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे एक दूसरे में। जैसे लाइक मान लीजिए साइन थीटा कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन में चेंज होगा, यानी ये इसमें बदलेगा, ये इसमें बदलेगा, इस तरीके से होगा। टेन हमेशा किसमें बदलेगा कॉट में, ठीक है, टेन किसमें बदलेगा कॉट में, और सेक और कुसेक बदलेंगे आपस में, सेक सेक और कुसेक आपस में बदलेंगे, ये आपस में बदलेंगे। ओके तो ये आपस में बदलेंगे कब, जब जो एंगल है वो 90 या 270 पर ब्रेक हुआ हो, तो
तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन आपके पास है साइन 90 माइनस थीटा मैंने लिया, देखिए यहां 90 आया है, इट मींस क्या है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी साइन कॉस में चेंज हुआ तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, बट कॉस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ये पता करना है, तो 0 टू 90 के बीच में, देखिए 90 से माइनस किया हुआ कोई एंगल है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करेगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए करेगा तो ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक्स आर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा इज पॉजिटिव आएगा। सेकेंडरी वैल्यू हम देखें तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिया, मैंने लिया टेन, ले लिया टेन थीटा, टेन ले लिया तो टेन को मैं यहां लिखता हूं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो देखें 10 270 प्लस थीटा है तो 10 270 प्लस थीटा, 270 पर 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, यहां पर आएगा कॉट थीटा, ये कॉट थीटा आ जाएगा, बट कॉट थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव इसका पता लगाएंगे, 270 प्लस थीटा तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा और इस वाले में कॉट नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव कॉट थीटा आएगा। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट एक और कंडीशन याद रखिएगा कि कॉट हमेशा 10 में बदलता है, कब, जब आपका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 90 या 270 पर ब्रेक हुआ हो। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके लिए, देखिए क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको वो क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे, क्वेश्चन जो मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, अभी देख लेते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए आपको दिया है साइन, साइन आपको दिया है यहां पर 49 अपॉन कॉस 51 प्लस, यहां पर दिया है 10 49 प्लस कॉट 51, तो ये आपको पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा लाइक ना। अब समझिएगा कि 10 को यहां पर साइन को 49, तो हमें एक वैल्यू को इसे चेंज करना है, तो देखिए किस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे, आप अपर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या लोअर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया साइन इसको 90 माइनस 51 कर लिया, क्योंकि 90 से 51 को माइनस करूंगा 49 बचेगा, और यहां पर मैंने इसको जिसका तस लिख दिया जैसे है, ऐसे ही मैंने सिमिलर इस वैल्यू को चेंज किया, इस वैल्यू को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया 10 यहां पर लिखा 90 माइनस 51 अपॉन यहां पर लिखा कॉट 51, ओके ये मैंने कर दिया है। देखिए साइन 90 माइनस 51 है, साइन 90 माइनस 51, 90 पर साइन चेंज हो जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 51, और 90 माइनस है या 90 से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है तो ये आएगा कॉस 51, ये कैंसिल आउट होगा, प्लस इधर आएगा कॉट 51 और अपॉन में कॉट 51, ओके ये भी कैंसिल आउट होगा, इट मींस ये वन था दोनों को मिलाकर आपका मिला आंसर 2, तो दैट इज 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन किस तरीके से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी यहां पर एक क्वेश्चन है कि साइन 60 कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्वेश्चन साइन 60 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 40 कॉस 45, इस इनकी वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, देन इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करना इजीली। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, दैट्स इज के इसका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे आप तो देखिए 2√2 मिलेगा आपको, मिलेगा 2√2, दैट्स इट कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इसका हो गया √6, प्लस आप यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √2 प्लस √2 प्लस √2, इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिलेंगी और सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे तो दैट इज आंसर, तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा था, इसका आंसर थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है अलविदा, अब इसे अपने बुक के क्वेश्चन से देखेंगे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। बुक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है।
कुसैक स्क्वायर 30, ये बुक का क्वेश्चन है। कुसैक स्क्वायर 30, सैक स्क्वायर 45, सैक स्क्वायर 45 सॉरी साइन है, सैक नहीं है साइन है, साइन स्क्वायर 45 माइनस माइनस सैक स्क्वायर 60, सैक स्क्वायर 60, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए सिंपली यहां करना यह है कि कुसेक 30 की वैल्यू पुट कर देनी है। कुसेक 30 की वैल्यू आपको पता नहीं होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू देखेंगे, जो साइन 30 की वैल्यू होती है जस्ट उसे अपोजिट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कुसेक 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और 2 का स्क्वायर आप करेंगे यहां पर, तो यहां देखेंगे साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे माइनस सेक 60, सेक 60 की वैल्यू आपको लर्न नहीं होगी तो आप कॉस 60 की वैल्यू देखेंगे, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपको ये इस तरीके से 60 की वैल्यू मिल जाएगी। देन आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4, यहां पर मिलेगा 1/2, यहां पर मिलेगा 4, ओके ये मिला, ये गया आपका 2, तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज आंसर। इस तरीके से आप सेकेंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं जो कि एंगल वाइज होंगे। ठीक है, आगे अभी मैं पूरी इसके ऊपर अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो 8.1 है उसे सॉल्व कराऊंगा, देन उसके बाद जो रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन होंगे उन्हें पुट अप करेंगे और आगे की इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू for keep watching।